अब देखो, हाँ यहाँ तो ऑन है। नहीं, धंधे वाला किया हुआ है मैंने नहीं। ये बच गया। तो हम फरमा रहे थे क्या, हम ये कह रहे थे कि भाई जितनी F5 की स्टडी टैक्स है ना, उससे बड़ी हमारी कैपलेन शरीफ की रिवीजन किट है। तो टैक्स का पेपर देना तो अकेला एक ही पेपर देना होशियार ही नहीं करना, क्योंकि 55,000 रुपये बहुत छोटी सी अमाउंट होती है आप लोगों के लिए, शायद मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आगे आपकी मर्जी है। 55,000 रुपये हमने जब ACCA किया था, 12,000 रुपये एग्जाम फीस होती थी, 12,000, 15,000, इससे ज्यादा तो पेपर फीस मैंने दी भी नहीं होगी, मुझे याद नहीं पड़ता। तो आप लोगों का दौर ऐसा है कि 55,000 रुपये एग्जाम फीस है। तो अब सर इतना मुश्किल पेपर आप बता रहे हो, इतनी बड़ी स्टडी टेक्स्ट है, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है नहीं आ रही है, चेक करना जरा। तो इतनी बड़ी स्टडी टेक्स्ट है, हमारा क्या होगा, हम पास पास होंगे नहीं होंगे? तो इसका जवाब बड़ा आसान है, इसका जवाब ये है भाई कि टेक्स्ट जो है ना, इसका पासिंग सबसे अच्छा है। कोर्स पूरे ACCA के स्किल्स लेवल का सबसे बड़ा कोर्स है, लेकिन पासिंग सबसे अच्छा है, सबसे हाईएस्ट पासिंग टेस्ट का होता है। ऐसा क्यों और कोई यही जवाब मैंने देना था कि आप लोग पाकिस्तानी हैं इसलिए। सर हमारी पाकिस्तानियत कहाँ से आ गई कि हम पाकिस्तानी हैं? तो हम टेस्ट का पेपर आसानी से पास करेंगे, क्यों पता है? हम ऐसे पाकिस्तानी बच्चे हैं, कैलकुलेटर दिखा बेटा। सर ये हो ना जिस पेपर के अंदर अरे ये चल रहा है, बस पास हो रहे हैं। F8 के पेपर में मौत आई थी, मौत आई थी। F4 जिंदगी का अजाब हो गया था। ये इतनी इंग्लिश पढ़ू मैं, जिंदगी में नहीं पढ़ी थी। AO लेवल से हटके कोई आया है अगर, इंटर करा हुआ हमारी तरह, हमने इंटर पढ़ा है, उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ क्या? ठीक है। तो भाई जब F4 पहली मरतबा जिंदगी में देखा था तो लग रहा था ये आत्महत्या करवाएगा। फिर तो जब F8 दिया था, आपने दिया ना, आपने भी दिया है, आप अभी अभी दिए, जिंदगी से नफरत सी नहीं हो गई थी, थोड़ी थोड़ी हो गई थी ना। तो ये थ्योरी के पेपर हमारे पाकिस्तानियों के लिए अजाब होते हैं। टेट का पेपर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र 100% पास हो जाते हैं, इत्तेफाकन क्लास में जितने होते हैं। वजह क्या होती है? कैलकुलेटर चल रहा होता है हर जगह, और हम पाकिस्तानी बच्चे कैलकुलेशन में ही तो जीते हैं, नंबर पंचिंग में ही तो हम लोग बेहतरीन हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, तो राइट, ये कैलकुलेटर चलता है इस पेपर के अंदर, इसलिए हमारे लिए ये पेपर जो है वो थोड़ा हल्का है, लेकिन शुरू से पढ़ोगे तो ही पास होगा। ये हमेशा मैं बकवास करता हूँ, हर क्लास में करता हूँ, कितने सालों से करता हूँ। और दो बात, अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे, आप तरीके बोलोगे 15 दिन में पढ़ लूंगा, सर मैंने FRB तो किया था, 20 दिन में पढ़ा तो हो गया था, टेक्स नहीं होगा सॉरी। वजह क्या है? इसका कोड इतना बड़ा है, इसका कोड इतना बड़ा है, नहीं लूंगा, कोर्स की लेंथ बहुत बड़ी है। हमेशा जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते वही की बात करते हैं कि सर आखिरी में खिचड़ी बन गई, ये कॉन्सेप्ट इधर घुस जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट इधर जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट इधर जा रहा है, सब कोई हल नहीं होगा। उसका हल यही था कि शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अब तो 2.5 महीने का, 2.5 महीने का बैच है ना, तो पेपर है, शुरू में 1 घंटा पढ़ो, आगे जाके टाइम हम खुद ही करवा देंगे आपका, लेकिन शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ोगे पेपर पास हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे,
माँ की दुआ से ही पाता, बाकी तो हेल्प। हम गांव के बिलीव करने वाले लोग सही है, मेहनत बाद में है, पहले दुआएं ठीक है। तो पहली बात तो ये हमने आपको बता दी, पहली क्लास में डरा भी दिया, फिर एक अच्छी बात भी बताई कि पाकिस्तानियों आप लोगों के लिए ही ये पेपर बनाए, जिसको कैलकुलेशन से प्यार है ये टेक्स्ट उसी के लिए है। एफ टू में जिसका थ्योरी का पेपर आया था, बाहर पास अगर होके निकला था तब भी इतनी उसने पीक 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 करके बातें की थी, इतनी थ्योरी आ गई थी, इनको तरीका है कल सर ने जो पढ़ाई कैलकुलेशन तो आ गई थी। टेक्स्ट में ऐसा नहीं, टेक्स्ट में आती ही कैलकुलेशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर में थ्योरी आ जाए, ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है। इसीलिए इसकी बुक इतनी बड़ी है कि इसमें न्यूमेरिक्स सॉल्व भी दो दो तीन तीन पेज पे हुए हैं, बाकी एफ फाइव वगैरह की इसलिए छोटी बुक होती है कि उसमें दो लाइन में तीन लाइन में दो पैराग्राफ में एग्जाम्पल टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। इसमें कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के लिए लाइनें चाहिए, इसलिए बुक मोटी है। अब आप जब करोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बात वही है कि शुरू से पढ़ोगे। जो होशियारी करे बस एक बात याद रखना कि जब 55,000 डूबेंगे ना तो अम्मा होगी और झाड़ू होगा, बेलन होगा, हैंगर भी हो सकता है और कहीं कहीं चप्पल भी, तो दो पट्टी वाली चप्पल तोड़ते रहेंगे। 55,000 डूबा दिए तुमने, तो ये सारी बातें ध्यान में रख के पढ़ना शुरू करना, तो इंशाल्लाह पेपर जल्दी पास हो, ठीक है। अब जो पहली बार वाले हैं, जो पहली मरतबा ACCA का स्किल्स का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए पेपर फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया है। पेपर तीन सेक्शन तो होता है, सेक्शन नंबर वन जिसको सेक्शन ए बोलते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए क्या होता है, कौन बनेगा करोड़पति आज से यहाँ अमिताभ बच्चन के साथ, क्या होता है इसके अंदर MCQ बोले लो, एक सवाल चार जवाब, ऑनलाइन वालों बता रही है ना, एक सवाल चार जवाब, कितने सवाल होंगे, 15 questions एट द रेट ऑफ 2 marks each। टोटल हो गया कितना, कहां से आएगा ये 30 marks का पेपर, पता नहीं, any area of this syllabus, एग्जाम पहले पूरी बुक पढ़ना बेटा, कहीं से भी लूंगा, बदमाशी किसकी है, एग्जाम सेक्शन डी, जिन्होंने दिया हुआ उनको पता है, जिन्होंने नहीं दिया उनको हम बताएंगे। तीन सिनेरियोज आएंगे, क्या आएंगे, सिनेरियोज आएंगे, जिसको MTQ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MTQ, तीन सिनेरियो होंगे, हर सिनेरियो से वो दो दो मार्क के 5 questions पूछेगा, कितने सिनेरियो होंगे भाई, क्या नाम है जी, नाम नाम मोहम्मद, जैसे अभी भी कितने होंगे, तीन सिनेरियो, हर सिनेरियो से कितना क्वेश्चन करेगा, 5, तो कितने सवाल हो गए टोटल, 15, तीन सिनेरियो पर सिनेरियो 5 questions एट द रेट ऑफ 2 marks ईच, यानी 10 marks का एक सिनेरियो हो गया, और टोटल कितने सिनेरियो हैं, कितने मार्क्स का पेपर हो गया ये। इसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, हमें पता है कि वहीं से देता है, हमें बताऊंगा ठीक है। इसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दुनिया में, स्प्रेडशीट शरीफ, अदब से नाम लो जब तक ACCA कर रहे हो, स्प्रेडशीट शरीफ, क्योंकि यही है सब कुछ आपका, कॉपी पेंसिल चोपड़ी वोपड़ी का कोई काम नहीं है, जिसको टाइपिंग का मसला है आज से कीबोर्ड को चूम दो और अदब से कीबोर्ड को घर में रखो, और उसके अल्फाबेट कैसा ना हो कि पेपर में ढूंढ रहे हो, यस किधर हो,
एक इधर है, पता चला 3 घंटे हो गए, एक सवाल हुआ था ऐसा नहीं करने का। तो ये स्पेशली वो जो पहली मर्तबा केसीसीए का स्किल्स का पेपर है मुबारक, 55,000 रुपए दे के देने जा रहा, ठीक है आपको फर्स्ट है कि दिया हुआ? अच्छा तो पहले दिया हुआ है नहीं ना, चलो ये सारे। फिर सीआरक्यू बोलते हैं भाई इसको, 3 क्वेश्चन आएंगे। अब ये अलग है, FR में 2 क्वेश्चन आते हैं, F5 में 2 आते हैं, F8 में 3 आते हैं, यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। Question 1, Question 2, Question 3, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए कितने? 40 मार्क्स, और 100 में से 50 चाहिए तो 55,000 बचेंगे, वरना 55,000 डूब जाएंगे। 49 भी आए तो 55,000 पूरे डूबेंगे, क्योंकि री अटेम्प्ट की पूरी फीस देता है एसीसीए, सीए वाले और आईसीएमए वाले री अटेम्प्ट की 50% फीस देते हैं, आपको पता है हम बता रहे, एसीसीए वाला पूरी देता है। और आपको पता है एसीसीए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता, F1 में क्या पढ़ा था? F1 में लिखा हुआ है ACCA is an NGO, non for profit organization। वो है ना, चलो रिकॉर्डिंग वहां जान नहीं रहा मैं तो सब बोलता। चलो 40, 30 और 30 कितने हो गए भाई, इसको लिख लीजिएगा। तो ये भाई आप लोगों के लिए कुछ नई बात थी, जिन्होंने पहले एसीसीए का स्किल्स का पेपर नहीं किया है कि पेपर पैटर्न F1 F2 F3 से थोड़ा हटके होता है, इसमें OTQ यानी CRQ भी होते हैं, बाकी ये दोनों चीजें तो आपने F1 F2 F3 में देखी है। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब सर पेपर में क्या आता है? तो बस 30 चैप्टर है, कुछ छोटे छोटे जो 6 टॉपिक के ऊपर है। पहले टॉपिक का क्या नाम है? इनकम टैक्स। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। क्या नाम है? उसामा बिन लादेन, सादा उसामा जो है ये एक बंदा है, कसम से बंदा है। हाँ भाई क्या कमा सकते हो जिंदगी में? ये एक पान की दुकान खोल सकता है, सिगरेट बेच सकता है, साबुन बेच सकता है, सर्फ बेच सकता है, ये इम्तियाज जैसी छोटी मोटी कंपनी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। या ये अगर डरता है जिंदगी में तो ये जॉब कर सकता है। बिजनेस करना हम जैसे ऑफ रखने वालों का काम नहीं है, बिजनेस के लिए जिगर थोड़ा बड़ा चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि पहली को पैसा सैलरी घर में आए और हम बच्चों को भी बने, ये हो जाए मोहतरमा को खर्ची मुबारक पेश करें, ये सब दौर से गुजरेगी। आप यहाँ वाले लोग जो है वो लेने वाले हैं, यहाँ वाले देने वाले,
तो तैयार रहो, चूजे आएंगे, बाबा बाबा पहली आ गई, बाबा की जुबानी की था बाबा। चलो वो जब पैसे दे रहे होते हैं ना, वो मीनिंग्स आएंगी आपकी जिंदगी में। तो सैलरी से पैसे कमा सकते हो, सोल ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हो, हराम भी कमा सकते हो, बोले तो इंटरेस्ट, और किसी कंपनी के शेयर रख के डिविडेंड ले सकते हो। यानी बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रजिस्टर्ड कंपनी ना करे, जॉब करे, इंटरेस्ट से पैसे कमाए, डिविडेंड करे। अब मैं लिखवाऊंगा, एक इंडिविजुअल जो जो कमा सकता है और जो जो वो कमाता है, गवर्नमेंट आ जाती है और बोलती है, अच्छा तूने कमाया है, सब इधर है, क्योंकि बदमाश कौन है, हमारा बदमाश कौन है आजकल, यही है, और वे बदमाश नहीं बचा। ठीक है, ठीक हो गया। चलो, तो बदमाश जो है वो सिर्फ एचएमआरसी है भाई, और जो बदमाश नहीं है, तो जो एचएमआरसी कहते हैं हम बोलते हैं ओके सर, आई विल डू इट सर, नॉट इट सर, एक्नॉलेज सर। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी कमाओगे उस पे गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी, खर्ची टैक्स, तो बोलते हैं इनकम टैक्स। हमारे सिलेबस का 50% यही है, इस जो अभी किताब दिखाई थी ना, इस किताब का 60% यही चैप्टर, यही टॉपिक है। यानी ये आपको पास भी करवाता है और आपको फेल भी करवाता है। अगर कोई कंपनी के एक ही मालिक हो तो वो इनकम टैक्स में जाएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं लेते। एग्जामिनर ने फरमाया, बेटा सीआरक्यू, एक सीआरक्यू में यहीं से दूंगा इंडिविजुअल से, और 10 मार्क वाला क्वेश्चन भी यही प्रैक्टिस है कि इंडिविजुअल से आता है। यानी क्या नजर आ गया, दो सीआरक्यू आपके किस टॉपिक से निकलते हैं और कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने एमटीक्यू आएंगे भी डोंट नो, आते हैं और एमसीक्यू भी आते हैं। 60% ऑफ बुक है ये 60%, और इससे कितने मार्क का पेपर श्योर है, 25 मार्क का पेपर तो आएगा ही आएगा, MCQs में भी आता है, कितना आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमने इंडिविजुअल्स को नहीं बख्शा ना, उनसे हमने पकड़ लिया टैक्स, तो कंपनीज कहाँ जाएंगी। अब उसामा से आना, इसने क्या किया, कंपनी बना ली, उसामा लिमिटेड या उसामा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपने पढ़ा ना सोल ट्रेड, F1 में सोल ट्रेडर और कंपनी में क्या फर्क है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस तरह का कुछ पढ़ा है ना, सर ने पढ़ाया होगा कि अगर उसामा डूब जाए तो इसकी घड़ी, इसके कपड़े, इसकी दुकान, इसका मकान, इसके घर का फर्नीचर सब कुछ लूट लेके ले जाएंगे, क्रेडिटर सब ले जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि वो रजनीकांत की मूवी बॉस के अंदर हुआ था, घड़ी भी उतरवा दी थी, घड़ी उतार, और फिर वो पर्स में जो पैसे थे अब्बा को दे के फेंक के निकल गया था। किसी ने देखी हो दी बॉस, देखना नहीं है इसलिए। तो फिल्मों में इंडिया की ऐसे ही होता है, 500 करोड़ की कंपनी और जब डूबती है तो अमिताभ बच्चन के कपड़े छोड़ के सब कुछ ले जाती है बैंक, घड़ी उतार, ये आप ये पेंटिंग भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो सोल ट्रेडर होते हैं, और कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी डूबी है, मैं तो अपनी ऑडी में घूमूंगा, मैं तो अपनी फरारी में घूमूंगा, टेंशन कोई नहीं। तो कंपनी और इंडिविजुअल में यही तो फर्क है। तो कंपनी को क्या गवर्नमेंट माफ कर देगी टैक्स, माफी किसी को नहीं है यूके में। कंपनी अगर कमाएगी तो उस पर भी टैक्स लगेगा, उस टैक्स का क्या नाम है, ऑपरेशन टैक्स। तीसरा टॉपिक क्या लिखा हुआ है,
कैपिटल गेन्स टैक्स, चाहे जो मैंने मानी बना दी थी या कैपिटल गेन्स टैक्स, बचपन में ऐसे ही पढ़ा नॉन कनेक्ट ऐसे का आइए सोचा पड़ा, ऐसे बेचते हैं तो क्या होता है, गेन या लॉस होता है। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट विल रिजल्ट इन अ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, राइट। तो जब गेन होता है ना, कैपिटल इनकम बोलते हैं उसको, तो मत आ जाती और कहती है बेटा ऐसे बेचा तो नहीं, कितना कमाया सर, इतना गेन हुआ है, बेटा इस पर टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट आपकी कैपिटल इनकम को भी नहीं छोड़ती, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन कैपिटल इनकम्स। तुसी कुछ भी कहोगे ना, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। आपसे आपके एसेट बेचने पे जो भी आपको गेन हुआ, वो गवर्नमेंट उस पर अपना शेयर लेगी, और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी बेचोगे तब भी गवर्नमेंट उस पर भी आपसे क्या लेगी, यानी ये नॉन करंट एसेट्स और शेयर बेचने पे अगर इनकम होती है तो उस पर टैक्स है। तो फुल फॉर्म है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये नाम सुन के बड़ी खुशी होती है बच्चों जितना पढ़ा है ना, वो आपने 5% पढ़ा है जिंदगी में, कितना पड़ा है बाकी कितना बचा 95 हम पढ़े। वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ पढ़ के थक जाओगे, दो चैप्टर्स हैं, कितने हैं, और हमारे कोर्स की जो थ्योरी है वो बेटर है, हमारे सिलेबस की जो थ्योरी पार्ट है सबसे बड़ा खतरनाक थ्योरी पार्ट वो बेटर है, कहीं ना कहीं से दूसरा थ्योरी तो आती है ना, तो वो बेटर आती है, कैलकुलेशन वो तो हमें आती है, तो हमारा F6 पर इतना पावर तो है नहीं कि आपसे वो चीज पूछेगा जो आपको F3 में पूछ चुके। तो यहाँ पे ज्यादातर थ्योरी होती है, और VAT होता क्या है, VAT is an indirect tax, final consumer पे apply होता है, factory लगाती है, wholesaler पे wholesaler लगाता है, retailer पे retailer लगाता है, दुकानदार पे दुकानदार लेता है final consumer से, ऐसा ही है ना। F3 में जिसने भी पढ़ाया होगा इसी तरह से पढ़ाया होगा, हमने जल्दी में पढ़ा दिया, उन्होंने बोर्ड पे लिखा होगा तो वो आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या नाम है बेटा, आपका उमेर, उमेर अच्छा, एक दफा का जिक्र है, उमेर की उम्र थी 70 साल, उमेर की एज कितनी हो गई, और एक मैसेज आया कि उमेर भाई थे, यानी उमेर भाई वफात पा गया, मर गया। अब उमेर मर गया तो उमेर के पास रोलेक्स की घड़ी थी, उमेर के पास होंडा सिविक थी, सिटी थी, बैंक में कुछ नोट थे, घर एक घर भी था, देखो कबर में कुछ नहीं लेके जाओगे, कबर में जेब नहीं होता, ये सब कुछ तो छोड़ के चला जाएगा, ये इंसान सब इधर ही ले जाएगा, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ दुनिया से चले जाओगे, और आपके माल पे आपकी औलाद अय्याशी करेगी, तो फायदा ये है कि अपने माल को खुद अय्याशी कर दो, खुद पे खर्च करो, एंजॉय करो, जिंदगी जियो और आराम से लड़क जाओ। लेकिन उमेर भाई को समझ नहीं आया हमारा कॉन्सेप्ट, इन्होंने जमा करके रखा, मर गए, इनके 6 चूजे थे, चूजा 1 चूजा 2 चूजा 3 4 5 6 नहीं 6 बच्चे थे, एक अलग सोच है मोहतरमा भी थी, तो जो भी छोड़ के मरा मेरा बच्चा वो सब किसको बटेगा, वारिसों में बटेगा ना, यूके की हुकूमत आएगी और बोलेगी अच्छा ये तो मर गया छोड़ उसको, ये 6 चूजे बेटा, चूजा नंबर 1 इनकम है तेरी, ये चूजा 2 इनकम, चूजा 3 इनकम, वाइफ को बोलेंगे माफ है टैक्स नहीं देंगे उससे, लेकिन चूजे जितने भी हैं इन सबको एक तरह से फायदा हो रहा है इसकी मौत से,
देखा ये मादियत है, दुनिया है बेटा, आप मरेंगे आपकी मौत दूसरों का फायदा है। आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इनहेरिटेंस टैक्स। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट 40% टैक्स लेके जाएगी। कितना? 40, सिर्फ 40%। यानी इसके चूजे नंबर वन के हिस्से में लाख तो अकाउंट आए तो गवर्नमेंट 40,000 ले लेगी और उसको बोली बेटा 60,000 रख, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि बदमाश कौन है? कंगा बदमाश। तो मौत पे टैक्स, वारिसों से टैक्स हम लेके रहेंगे, आदर टैक्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाहर निकलते हो ना तो आप बोलते हो कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं। ये फैसिलिटेशन, लंदन में साल के 10 महीने तकरीबन बारिश होती है लेकिन काम कोई नहीं रुकता, पानी नहीं जमा नहीं होता, लोग बारिश की न्यूज से खौफ ज्यादा होकर बच्चों को छुट्टियां नहीं करवाते। आप बीमार होते हैं, खतरनाक बीमार होते हैं, आपका इलाज फ्री हो रहा है, आपके बच्चे अच्छी स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, आप यूके सिटीजन है, पाकिस्तान आके फंस गए, यूके का काउंसलर आके आपको छुड़वा के जा रहा है, इतनी इज्जत। तो बेटा ये सारी फैसिलिटेशन इसके ही बदले मिलती है। मेरे स्टूडेंट थे गोरे, वो बताते हैं कि हम इतना टैक्स खुशी से देते हैं और हम बॉदर नहीं करते, हम खुशी से टाइमली टैक्स देते हैं, चोरी का सवाल ही नहीं, हम सोचते ही नहीं, टैक्स इवेजन तो हम सोचते ही नहीं है, टाइम पे भरते, ईमानदारी से भरते, हमें इतना फायदा फायदा, इतनी फैसिलिटेशन है, क्यों नहीं भरे। हर किसी का ड्रीम यही होता है ना कि ऐसे करके बाहर निकल जाऊं, इसीलिए तो है, तो ज्यादा नहीं है, ये उधर जहाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना उसके हिसाब से सही। फिर आता है आखिरी टॉपिक, ये भी थ्योरी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूके टैक्स सिस्टम। यूके टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डेट्स याद करनी होती है, तारीख से तारीख, किस दिन टैक्स अथॉरिटी को आपने फॉर्म भेजना है, किस दिन नोटिफिकेशन करना है, किस दिन टैक्स भरना है, किस दिन पेमेंट करनी है, और नहीं करोगे टाइम पे तो वो क्या क्या फाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप देखते हो इसके अंदर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक। तीनों के अंदर एक्सेल का, एक्सेल प्रो, एक्सेल ही होते हैं, यहाँ पे वर्ड नहीं होता, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पड़ता, चोरी छुपाने की सिखाई जाती है, चोरी आप खुद सीखते हैं। क्या थोड़ा सा बताए, फ्रॉड अनकंट्रोलेबल है, फ्रॉड मिटिगेट नहीं हो सकता, प्रिवेंट हो सकता है। बेटा मैंने जिसकी किया मुझे पूरी किताबें याद है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसे फ्रॉड करना नहीं सिखाया, उसे प्रिवेंशन के तरीके सिखाए। ठीक है, तो दो नंबर ही मेरे पाकिस्तानी हो यार, अभी उन शोरली पाकिस्तान क्योंकि चलता है बेटा, हम लोगों का दोनों फ्री में, हमें तो सिखाता थोड़ी है, हम मशहूर है, कैसा आदमी है, बंदा सही नहीं, इसकी पाकिस्तानी चेक करें आप क्लास के बाद, कौन चेक करेगा? हाँ भाई, क्या नाम है? अज़ज़ भाई, ये केस आपका हो, ले जाओ बेटा, रजिस्टर को पकड़ के। टैक्स इवेजन करने के लीगल तरीके भी तो है, वो टैक्स अवॉइडेंस के जा रहा है, वो हम सीखेंगे, अवॉइडेंस आप सीखेंगे, इवेजन नहीं, इनका सवाल नहीं इवेजन, अवॉइडेंस का ये क्वेश्चन है। आराम है क्या? देखो मुल्क के कानून का एहतराम करना ये जरूरी है, आपकी मर्जी है आपका मुल्क कौन सा है बेटा, बातों में तो नहीं भी तो ना मुल्क आपने चूज किया है सर, क्यों रहते हो यहाँ, चले जाओ दुबई, दो वीजा निकल जाओ, हम भी लेके आए साथ साथ, फिर वापसी आ गए, कुछ वजूहत थी वरना कभी नहीं आती, मुल्क आपकी अपनी चॉइस है बेटा। आपका पेपर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, हम अगस्त के एंड तक आ रहे हैं,
सारे यही होते हैं एंड पे 20 तारीख तक चलते हैं सर, सबके होते हैं वही जो टाइम टेबल होता है ना उसको गिरा से हो जाता है ये टैक्स ऑब्वियसली डार्क ग्लास को वो टाइम टेबल बन जाएगा चार तो होंगी वरना व्यवस्थित नहीं होगा सर इसको तक की वीक टैक्स सही संडे को सभा में रखते हैं वो भी टाइम टेबल बन जाएगा ना तो आपसे शेयर करूंगा 3 घंटे की हो क्योंकि आप लोगों कोई तो होगा ऐसा बेचारा कोई भी नहीं तो बता नहीं रहा भाई होगा जरूर भाई आपके पैसे आपकी मर्जी हमें आज हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक ये तो सारा इंट्रो था पेपर का इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल क्या होता है ये अभी मैंने बताया अब देखो ये आपने सिलेबस देखा ना तो आप लोगों का जहन खराब हो जाता है तो जहन ये चलता है कि यार टैक्स लगाने तो सीखना है इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो जाए जस्ट टैक्स ही तो लगाना है तो बेटा जस्ट टैक्स नहीं लगाना है पहले इनकम कैलकुलेट करनी है और फिर टैक्स लगाना है टैक्स लगाने के सिर्फ दो चैप्टर हैं बस इस टॉपिक में टैक्स लगाने के दो चैप्टर हैं बाकी 12-15 चैप्टर जो है वो इनकम कैलकुलेट करने के हैं यानी पेपर का नाम टैक्स है लेकिन इसमें हम टैक्स तो लगाते हैं और टैक्स लगाने के पूरे पेपर में 100 में से 10 मार्क भी नहीं होते सारे मार्क्स घूम रहे होते हैं किसके ऊपर इनकम की कैलकुलेशन के ऊपर क्योंकि आप लोग कहोगे सर हमने अकाउंटिंग पढ़ी आहा एफआर पास किया सर कितने मार्क्स का बेटा बच्चा इससे ज्यादा मार्क्स थे एफआर में आपको 50 से ज्यादा का पढ़ता ही नहीं था पास होने के लिए पढ़ता था तो भाई हमने IAS IFRS फलाना ढिमकाना करके क्या निकाला था प्रॉफिट फॉर द ईयर टैक्स पता है क्या बोलता है वी डोंट केयर हम आपके प्रॉफिट को नहीं मानते हम आपके अकाउंटिंग को नहीं मानते वी डोंट केयर अबाउट योर अकाउंटिंग बाबा हम क्या बोलेंगे ओके सर आप बता दो बदमाश आप हो यह देखना टैक्स अथॉरिटी सुपीरियर होती है वो मुल्क की होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है तो मुल्क की अथॉरिटी जो बोलती है उसको कहते हैं आमना और सपना यानी ओके लबाई व्हाट यू आर सेइंग वी आर एक्सेप्टिंग हम उसको फॉलो करते हैं हम बेनुशियारी नहीं करते शुरू करने से पहले ये टॉपिक एक चीज बताऊंगा जो पूरे कोर्स के लिए अपने दिमागों में बिठा लेना स्पेशली वो जिन्होंने कॉस्टिंग या F5 या F9 पढ़ा है क्योंकि वो पढ़ के थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है हम दिमाग सही करें आपके जहन में वसवसे आएंगे बहुत सारे अभी आने शुरू हो जाएंगे ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों जवाब देते हैं किस टाइप का चीज होता है क्यों जवाब दो ना क्यों ऐसे डेबिट में क्यों बढ़ते ऑनलाइन में तो बताओ हाँ क्यों क्रेडिट पे कम होता है तो भाई डेबिट पे बढ़ता है क्रेडिट पे कम होता है क्यों
सर वो F1 किसने पढ़ाया था? सर ने बताया था इसे सर आना जाना कोई भी तुक्का मारो में ना सिंपल ये कि सर रूल है क्या है सर ये स्टैंडर्ड है सर। टेक्स्ट में मैं आपको बहुत सारी मजबूत बातें बताऊंगा तो उसके क्यों को नहीं सोचना। F5 पास करते हैं F9 पास करते हैं या F2 पास करते हैं तो दिमाग में क्यों का कीड़ा होता है लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं ऐसे नहीं यूं भी हो सकता अरे नहीं क्यों यूं यूं ये क्यों यूं क्यों ये सब को बाहर छोड़ दिया बस यूं ही यूं होता है। लोकल पाकिस्तानियों यह लकीर आगे बोला यह लकीर बस इस लकीर के सीधे चलते जाओ टेक्स्ट में वो पास हो जाएगा। क्यों म्यू को छोड़ दो क्यों होता है सर बेटा रूल टैक्स एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है टैक्स एक कानून है जो बना दिया किसी ने आपने उसको फॉलो करके आंसर लिखा आपने अभी टैक्स का कोई मास्टर या डॉक्टर नाम है आपको डॉक्टर पुश राइन टैक्सेशन PhD नहीं करने का क्या हम टैक्स की लॉजिक निकालने बैठे हमारा पेपर ये है कि यू होता है तो यू होता है तो इस लकीर को पकड़ते हुए सीधे चलेंगे F5 वाला दिमाग F9 वाला टेंशन इसलिए पेपर आसान है बस लकीर को पकड़ टक 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 कैलकुलेटर चला पाओ पास ठीक है। तो अब आइंदा के बाद क्यों ना हो किसी के दिमाग में क्यों वैसे भी नहीं आता हूँ मेरे पास अपना आज क्यों को तो भाई टैक्स कहता है कि जैसे अकाउंटिंग का एक साल होता है टैक्स का भी एक साल होता है क्या होता है टैक्स भी एक साल के लिए होता है। मेरे पाकिस्तानियों अभी थोड़े दिन पहले सुना ना बजट आया पाकिस्तान में बजट बोलते हैं गोरे इसको फाइनेंस एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। हम पाकिस्तानी क्या बोलते हैं पाकिस्तान का बजट साल फिस्कल ईयर कहलाता है वहां पे टैक्स ईयर कहलाता है। फिस्कल ईयर टैक्स ईयर एक ही चीज होती है। पाकिस्तान का टैक्स ईयर क्या है जुलाई टू जून है। पाकिस्तान का टैक्स ईयर क्या है जुलाई टू जून। अभी हम उमरकोट में नहीं यूके में है तो हमारा टैक्स ईयर जो है 6 अप्रैल से शुरू होता है 2022 और खत्म कब होगा 5 अप्रैल 2023। सर ये बीच में से मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूँ सर ये क्यों 6 तारीख से शुरू हो ऐसा पूछने का दिल हो रहा है ना अब नहीं होना चाहिए ये अगर दिल हो तो खुद से अंदर से जवाब देना ऐसे ही होता है क्योंकि ये रूल क्योंकि ये कानून है कानून पंजाबी में कहते हैं कानून है उर्दू में कहते हैं कानून है हिंदी में कहते हैं इट्स लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। खून करोगे तो सऊदी अरब में गर्दन उड़ा दी जाएगी बीहेड कर दिया जाएगा आपको क्यों पूछोगे तो आपका भी गर्दन ठीक है ना बदमाशी करेगा हमसे बदमाश तो भाई यूं होता है 6 से शुरू होता है और 5 पे। अब एक बात है लॉजिकल सर 5 अप्रैल 2023 में दुनिया में आके चली गई हमें आउटडेटेड टेक्स्ट पढ़ा रहे हो सर आप चेक करके आए हो नहीं पढ़ के आए हो नहीं ऐसे आप लोग में ऐसा नहीं आ रहा मैं खुद से गया तो हम ACCA से पूछते हैं कि ACCA वाले क्या सर गलत तो नहीं पढ़ा रहे ये डेट तो चली गई तो ACCA फरमाता है क्या फरमाता है ACCA कहता है जून सितंबर दिसंबर मार्च 2024 ACCA फरमाए है कि इन चारों अटेम्प्ट्स के लिए 2000 ये वाला टैक्स ईयर 22-23 का टैक्स ईयर रेलेवेंट है। ACCA एक टैक्स ईयर उठाता है और उससे अपनी कितनी अटेम्प्ट के एग्जाम लेता है 4 क्योंकि वरना तो ये हो जाएगा कि बुकें हर दफा बार बार बदलनी पड़ जाएंगी कोर्स बार बार शफल करना पड़ेगा तो इतना नहीं होता
इसलिए उन्होंने चार अटेम्प्ट फिक्स करके रखी है, ये अटेम्प्ट दुनिया से जा चुकी है। आप लोग इस अटेम्प्ट के हैं, इस अटेम्प्ट में भी यही टैक्स ईयर चलेगा। तो अगर बुक और किट नेट में उठाते हो, नहीं उठाना मैं खुद ग्रुप में भेज दूंगा जब ये ग्रुप बना देंगे, क्योंकि नेट पर पुरानी बुक्स हैं और हर टैक्स ईयर के रेट्स बदल जाते हैं, आंसर अलग अलग होगा, तो पुरानी को बिल्कुल नहीं उठाना, वही बुक और स्टडी टैक्स उठानी है जो 22-23 हो, लिखा होता है शुरू में, लिखा होता है हाँ लिखा होता है कि ये वैलिड है टिल मार्च 14, जैसे इन्होंने बुक उठाई ना उसके पहले पेज पे लिखा होगा। तो ये हमारे पास है, आप लोग सेफ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सारे 30 सितंबर 2023 की अटेम्प्ट के रिजल्ट में पास हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो दिसंबर में अगर वो पेपर देगा तो कोड बदलेगा, खतरा किसके लिए होता है, मार्च वालों के लिए, मार्च में डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि अगर मार्च 24 के अटेम्प्ट के बाद पेपर पास नहीं हुआ तो जून 24 के अटेम्प्ट में टैक्स ईयर बदल जाएगा, तो जब टैक्स ईयर बदलेगा तो रेट बदल जाएंगे, इतना पढ़ के गया होगा तो दिमाग में 20% चल रहा होगा और वह 22 हो गया होगा, तो हाथ जो है ना उंगलियों में भी दिमाग होता है, पता है तो ये नहीं पता ना, जब उसकी शादी हो तो बीवी का नंबर यहाँ नहीं होता, तो जय पाक का नंबर यहाँ नहीं होता, उंगलियों पे होता है, आपको याद नहीं होगा लेकिन टाइप कर लोगे, ऐसा होता है जिंदगी में, बहुत सारे नंबर आपकी उंगलियों पे होते हैं, उंगली टाइप करती है दिमाग में नहीं आ रहे होते, तो ये उंगलियां जो है ना ये भी दिमाग रखती है, ठीक है। तो आप लोग सेफ हैं कि मार्च अटेम्प्ट में पेपर नहीं देते, आपके पास अभी भी जो ज्यादा अमीर है ना इसके बाद बहुत पैसा है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास अभी भी एक बार टुडे 3 अटेम्प्ट मौजूद है, वाहिद इतने कला था 1-2-3 अटेम्प्ट मौजूद है पास करने के लिए, सेम कोर्स रहेगा, और जो हमारी तरह शरीफ बच्चे मेहनत से कमाते हैं इसी अटेम्प्ट में पास करना, ठीक है। चलो टेक्स्ट ईयर हो गया, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है तो मसला तो नहीं है, टेक्स्ट ईयर हमने समझा के भाई ये प्यारा सा टेक्स्ट ईयर है जो आपका दिल सोना चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए है, टॉपिक नंबर 1 के लिए, अब एक इंडिविजुअल क्या क्या कमाएगा, तो वो कमाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी कमाएगा, दूसरा वो स्कोर ट्रेडिंग कर सकता है, स्कोर ट्रेडिंग से वो नेट प्रॉफिट कमाएगा जिसको ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं, तीसरा वो लैंडलॉर्ड बन जाएगा और उसको रेंट मिलेगा वो प्रॉपर्टी इनकम कमाएगा, चौथा रेड मार्केट नहीं है मेरे पास मैं रेड से लिखता हराम कमाएगा इंटरेस्ट, पांचवा वो किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा और डिविडेंड कमाएगा, और आखिरी वो मेरे भाई की तरफ उड़ा हो जाएगा और तो टेंशन मिलेगी। टॉपिक नंबर 1 में ये 6 टॉपिक्स हैं, सुन लो जरा, एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट का, एक चैप्टर है प्रॉपर्टी का, एक है इंटरेस्ट और डिविडेंड का, एक है पेंशन का और 5 चैप्टर है ट्रेडिंग के, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर हो गए और फर्दर इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं जो भी मैंने लिखा। ये 6 की 6 इनकम को कैलकुलेट करना है आपने पहले और फिर लगाने टैक्स, ये इनकम दी भी नहीं होगी, पहले इन सारी इनकम को टैक्स के रूल्स के हिसाब से निकालना है और फिर उस पर क्या लगाना है टैक्स। हम पहले टैक्स लगाना सीख लेते हैं, यानी आज से 2-3 क्लासों तक आपको ये सारी इनकम, ये हैंडआउट भी मिल गया है, सारी इनकम गिवन होगी, इनकम दी हुई हो, आप उस गिवन इनकम के ऊपर क्या लगाना सीखोगे, जब टैक्स लगाना सीख लेंगे तो फिर हम एक एक इनकम को खोलेंगे,
और फिर एक एक इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उस पर टैक्स तो उसी तरह लगता जाएगा जिस तरह हमने सीखा होगा। ठीक है, टैक्स लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, साथ साथ लिखते भी जाइएगा आपसे तो पेंशन के बाद चलेगा, पेंशन रिसीट साथ साथ लिखते भी जाइएगा ताकि कुछ आपका मिस ना हो जाए। एक फॉर्मेट है हमारे पास टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, इस फॉर्मेट के तीन कॉलम्स हैं, नॉन सेविंग, सेविंग्स एंड डिविडेंड, और आखिरी कॉलम तो टोटल का होता ही है। नॉन सेविंग में क्या आता है, तो चार चीजें नॉन सेविंग में आती है, छह थी ना, छह में से चार चीजें नॉन सेविंग में आती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग प्रॉपर्टी और अपना पेंशन। कौन से कॉलम में आना चाहिए, सेविंग में और डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव अपने कॉलम में, टोटल और कॉलम तो होगा ही होगा, और ये जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ये हमारा फॉर्मेट बन गया भाई। सवाल आ रहा है किसी के जेन में, सर ये चारों नॉन सेविंग में कहलाती, अब नहीं आ रहा होगा, बस कहलाती है बेटा चारों नॉन सेविंग है। था फॉर्मेट बनाने के बाद हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर वन निकालिए जरा। Okay.
क्या है क्वेश्चन नंबर में ऑनलाइन वालों आप छोड़ो तब सर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हेड हो जाएगा मैं वो ऑफलाइन ले आज पढ़ो आज करो चलो भाई क्वेश्चन नंबर वन सारी इनकम दी हुई है और किसी को नहीं मिला बताओ जरा यार इनकम इनकम ऑनलाइन बोलो आज के फोकस करके देखो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मार्कर सेट हो जाएंगे बताओ एम्प्लॉयमेंट कितनी है 25,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम है भाई तो एम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉन सेविंग ट्रेडिंग कितनी है 15,000 प्रॉपर्टी कितनी है कोई पेंशन मिली है हराम कितना कमाया इसने डिविडेंड कितना कमाया टोटल करो ना 45 याद हो गया मुझे 25, 15 टोटल अंकोलम दो बाजी के लिए बनाना जरूरी है अगर ये सीआरपी में आता है तो ठीक है एक्सेल एक्सेल टोटल इनकम तक माशाल्लाह आप लोग पहुंच गए ऑनलाइन वालों टोटल इनकम तक पहुंच गए तो मसला पेंशन के नीचे क्या लिखा है पेंशन के नीचे इंटरेस्ट इनकम है और इसके नीचे डिविडेंड इनकम है और फिर है टोटल इनकम मेरे दोस्तों एक सवाल का जवाब दो जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा टैक्स देयर इज एन इनकम देयर विल बी टैक्स इफ देयर इज नो इनकम नो टैक्स नो इनकम नो टैक्स जैसे ही ये टोटल इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा ईमानदार लोग हम किस तरह होंगे इनकम बड़े है टैक्स बड़े है इनकम कम होगी टैक्स कम हो जाएगा गिरे है इनकम गिरे है तो टैक्स भी गिरे है ऐसा ही है ना हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं सबसे शरीफ बच्चा कौन है आप लोगों में एक दूसरे का तो पता ही होगा ना इनकी बेच ना सारे कौन है सबसे शरीफ सारे ही शरीफ थे कौन से वाले शरीफ ये शरीफ बच्चा है क्या नाम नजीब पर तो नजीब भाई थी शरीफ आदमी ये पहुंच गए HMRC के ऑफिस और इन्होंने रोना धोना मचा दिया भाई 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 टैक्स माफ करो भाई HMRC के पास जाके रिक्वेस्ट मोड में कह रहे हैं कि टैक्स
कुछ तो रहम करो ना, थोड़ी सी तो इनकम कम करो ना। तो उन्होंने शक्ल बाप को देखा, देखा शरीफ का बच्चा दिख रहा है, क्या तुझे माफ किया? कैसे माफ किया? उन्होंने कहा हम आपको दो रिलीफ देते हैं। कितने रिलीफ देते हैं? एक आपके हाथ में है और एक हमारी तरफ से तोहफा है। एक आपके हाथ में, वो हम आप पढ़ने जा रहे हैं। आप टोटल इनकम तक पहुंचे, सही है? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं। ठीक है जी, 45, 5, 5 और 10 टोटल था 60। अब यहाँ तक पहुंचे और नजीब भाई चले गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ने कहा दो तरह के रिलीफ देंगे। पहला वाला है आपके हाथ में, इसका नाम है क्वालिफाइंग, ऑनलाइन वालों क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे माइनस होता है। अगर माइनस होता है इसका मतलब इनकम को कम करता है, और इनकम कम करेगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स, ऐसा ही है ना? इनकम कम तो टैक्स, बात समझना। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये आसान जबान में इंटरेस्ट पेड है। वो इंटरेस्ट पेड जो पांच में से किसी एक कंडीशन को मीट कर जाए, कंडीशनल है, हर चीज पे कंडीशन है। हर इंटरेस्ट पेमेंट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं होता। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कौन सा होता है? वो इंटरेस्ट पेमेंट जो पांच में से किसी एक कंडीशन को मीट कर जाए। हैंड आउट पे आइए, पेज नंबर 6 पे तशरीफ लाइए। जो किसकी कंडीशन को मीट करती है, कितनी? पांच। देखो आपके सामने है, इसमें से पांच में से दो कंडीशन है एसेट्स से रिलेटेड, और बाकी जो कंडीशंस है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एसेट्स से रिलेटेड बोले तो आप नॉन करेंट एसेट खरीदोगे, लोन लेके, यानी जेब में ताकत नहीं है, कर्जा पकड़ोगे और उस कर्जे से उस लोन से क्या करोगे? मशीन प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, कोई सा भी नॉन करंट एसेट खरीदोगे, क्योंकि आईएस 16 की डेफिनेशन है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब सारा नॉन करंट एसेट। तो उसमें लैंड भी होती है, उसमें मोटर बाइक भी होती है, उसमें गाड़ी भी होती है, और सब होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब हर नस्ल का, हर टाइप का नॉन करंट एसेट। क्यों लूंगा मैं नॉन करंट एसेट भाई? तो पहली कंडीशन है वो नॉन करंट एसेट आप लेके जिस पार्टनरशिप में आप पार्टनर है ना, वहां इन्वेस्ट कर देंगे। यानी आप नॉन करंट एसेट लोन पे पकड़ेंगे और उसको किसी फर्म में लगा देंगे, फर्म बोलते हैं पार्टनरशिप। दूसरा क्या नाम आपको बोलिए, अवेश, 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 अवेश भाई, मिस्टर अवेश, अवेश भाई रहते हैं गुलशन हदीद में, और इनका ऑफिस है गुलशन मेमार, दोनों यूके के अंदर पाए जाते हैं। गुलशन हदीद भी यूके में है और गुलशन मेमार भी। मुझे बताओ ये बेचारा ऑफिस के लिए सुबह कितने बजे उठ निकलता होगा? इसने मुर्गा रखा हुआ है, वो अजान देता ही उठता है, 3:30 बजे बेचारा उठता होगा, फजर बा जमात अदा करने के बाद सीधा 5 बसें बदल गए, क्योंकि भाई नियम भाई के बाद गाड़ी दी,
पांच में से बदल के गुलशन मेमार से गुलशन हदीम जाता होगा, यानी जब ये घर से निकलता होगा सारे घर वाले सो रहे होंगे, और फिर जब ऑफिस है ना 5 बजे तो छुट्टी खाली एग्रीमेंट में होती है, रियल में छुट्टी कितने बजे होती है 8-9। फिर जब ये घर आता होगा बेचारा 5 बजे बदल के, जब भी घर वाले सो रहे होंगे ऐसे ही रात की 11-12 बजे घर पहुंचता होगा, तो क्या करे जिंदगी तो खराब हो गई। इतवार वाले दिन बच्चे पूछ रहे होते हैं अम्मा ये कौन, अम्मा कहती ये वही है जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो गुस्सा आ गया भाई इसी जिंदगी का क्या फायदा, तो हल किया भाई हल किया नहीं है हल क्या है हाँ भाई ऐसी जिंदगी का क्या आपके लिए मौत बेहतर नहीं, तो हल है भाई हल है, लोन लेके बाइक खरीद लो, लोन लेके गाड़ी खरीद लो, जिससे सफर क्या हो जाएगा, ऐसा नॉन करंट एसेट खरीदो लोन के ऊपर जिससे क्या हो आपको जॉब में आसानी। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है पढ़ो जरा, तो पहला और दूसरा पॉइंट जरा मिला के पढ़ लो फटाफट, क्या हमने यही फरमाया कि लोन लो एसेट खरीदने के लिए और वो एसेट पार्टनरशिप में लगा दो, या लोन लो एसेट खरीदने के लिए जिससे आप अपनी जॉब को सहूलत में बदल लो, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हराम पेमेंट जो है वो क्या बन जाती है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, हलाल नहीं तौबा कर। बाकी जो 4 कंडीशन है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लोन लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहाँ को इन्वेस्टमेंट करने चले हैं, तो किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन पकड़ो, या फिर किसी इम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में लोन पकड़ो, तो शेयर खरीदने के लिए लोन ले लो, इम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी क्या होती है, या 50% से ज्यादा शेयर उसके इम्प्लॉय के हाथ में होते हैं, दुनिया की एक बहुत मशहूर कंपनी है जो इम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी है, नोकिया का नाम नहीं सुना, नोकिया जब तबाह बर्बाद हुई तो उसके एम्प्लॉयज ने उसको खरीद लिया, तो नोकिया इज एन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी, नोकिया के 50% ज्यादा शेयर उसके एम्प्लॉयज के पास हैं, तो ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग एम्प्लॉयज के पास हो तो उस कंपनी में शेयर खरीद दो, पार्टनरशिप में शेयर खरीद दो, या किसी कोऑपरेटिव में, कोऑपरेट सुना है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी F1, जिसके शेयर होल्डर नहीं होते जिसके मेंबर होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग की कमेटी, जिनको घर में सुकून नहीं होता वो बिल्डिंग कमेटी मेंबर बन जाते हैं, 6 बजे ऑफिस जाते हैं फिर 7 बजे बिल्डिंग की मोटर से ही करवा रहे हो, क्या बोले मेंटेनेंस करवा रहे होते ना बिल्डिंग में बैठे होते 4-5, जिनकी जिंदगी घर में सुकून नहीं होता वो बेचारे ये काम करते, सही है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप क्या करते हो लोन पकड़ते हो तो ये भी जो है वो क्या बन जाता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बन जाता है। पेपर में आपको ये डेफिनेशंस लिखने के लिए कभी भी नहीं आएंगी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। जैसे अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे ना, पढ़ो जरा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 छाप दिया मैंने, एक लाइन चेंज की क्या अपन, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि कुछ पेमेंट की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करा है नहीं करा, इंटरेस्ट पे किया गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पे किया क्यों, किस मकसद के लिए, क्या इन 5 में से कोई एक कंडीशन मीट हो रही है, तो क्या करेंगे उसको, यहाँ से कितना पे किया है माइनस कर देंगे, यानी हमारी इनकम को क्या कर दिया इसने, अब क्या कर दिया, सीक्वेंस वाइज माइनस होता है, पहले नॉन सेविंग से, नॉन सेविंग में अगर पूरा ना पड़े तो फिर सेविंग से, यहाँ पूरा ना पड़े तो फिर
डिविडेंड से जैसे कि यहाँ पे नॉन सेविंग कितनी है, क्या 5000 या माइनस हो सकता है 40, 5 और 10। इस आंसर का नाम कहलाता क्या है, आप पहुंच गए हैं भाई नेट इनकम तक। कहा तक पहुंचे आप, यहाँ तक कोई सवाल क्वेश्चन जो गई आंसर हो गया। F5, F9 नहीं, जब आप थोड़े दिनों बाद देखोगे ना कितना क्वेश्चन है, हर चीज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लिखी भी होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना होता, अजम्पशन जीरो पे काम होता, अजम्पशन भी है जो लिखा है वही करना है, टेक्स्ट है ना वो रूल है, कानून है, होशियारी तो कर ही नहीं सकते, कानून से खेलने की इजाजत सिर्फ मैप को है। याद है क्या मतलब, तो लिख लीजिए चार ऑनलाइन वालों को मतलब, अब मैं कुछ केसेस बताऊंगा, क्वेश्चन 2 का केस 1 is one. Assume करो गरीब आदमी, is one कितना होगी टोटल, ठीक है मैंने इनका बदल दी, टोटल 15,500 है, 5,000 क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, माइनस हो रहा है खत्म, कोई टेंशन नहीं, नीचे क्या आ रहा है 10,000, मतलब है कॉलम्स में सीक्वेंस दिलानी है, सीक्वेंस इधर से कितना माइनस हो सकता है, बाकी कितना बचा, क्या से होगा और बाकी कितना बचा, पूरा हो गया ना, ये क्या हो गई 0, ये कितने होंगे 500, ऐसा हो सकता इसका केस 2 क्या हो सकता है, याद रखिएगा केस 2 बताइए क्या हो सकता है, ये ज्यादा ही गरीब है, पूरे साल कितना कमाया, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 5, हम ये चल रहे हैं ना कि 5,000 है क्वालिफाइंग, क्या होगा इस बेचारे के साथ मेरे दोस्तों, क्या करोगे सर, कितना माइनस करोगे, 3500 ही माइनस करेंगे, क्यों कम कमा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, कॉलम वाइज कैसे होगा, यूं चल रहा है ना 970, अच्छे 70, अच्छे सर, हाँ बेटा बोलो सर, एक मसला हो गया, क्या हुआ
सर देखें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट 5,000 था, हमने यूज करा 3,500। सर सर 1,500 बच गया, इसका क्या करेंगे? ऐसा है ना, इसको बोलेंगे खली वली। चलिए क्या देते वैस भाई, नहीं कमारा तू तो हम क्या करें सर, इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर लेंगे। अगर होता तो हम बताते, इसको करेंगे क्या खली वली, चलिए क्या कोई काम नहीं। यानी अगर आप पूरा क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते तो ये आपका कसूर है। गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया था ना, क्यों कम कमा रहे हो, हमने रोका था कि नहीं कमाओ, कमा दे, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। तो कम कमाया तो जितना कमाया उतना रिलीफ ले लो, बाकी बाकी को बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट हो जाएगा, अपनी जबान में बोलते हैं खली वली हो जाएगा। यानी बोलेंगे क्या चार्ट का खली वली इज यूज फॉर स्टूडेंट्स को दफा। और ये जुनेद अकरम का नहीं है वर्ड, ये दुबई का लोकल वर्ड, वहां पे हर वक्त बोला जाता है, वो वहां रह गया है, इससे उसकी जबान पे भी चढ़ाव है और हमारी जबान पे भी चढ़ाव है। जो दुबई में एक साल गुजार लेता है वो निकल बकवास नहीं कर की जगह खली वली यूज कर रहा होगा। तो ये हो गया क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की कहानी। पहला रिलीवर है ये जो हमारी इनकम को क्या करता है, कम करता है। ये लिख लिया तुमने ऑनलाइन वालों, क्वेश्चन टू के हमने दो केसेस लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे रियल अमाउंट बता रहा है जो सच्ची में अमाउंट आएगी। यहाँ था 60 का, यहाँ 5,000 माइनस हुआ था 55 था, या 10 था और 45 ना। यह मैंने क्वेश्चन टू ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया। गवर्नमेंट ने एक तो आपको अलाउ किया जो आपकी अपनी हरकतों से आपको मिलेगा, कि अगर आप लोन दोगे उन 5 में से किसी एक मकसद के लिए तो उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता है। एक रिलीफ गवर्नमेंट जो है वो अनकंडीशनली देती है, सब कवर है, सब ठीक है, उसको कहते हैं पर्सनल अलाउंस। हर यूके में टैक्स पे करने वाले 12,570 कितना 12,570 ये टैक्स ईयर 22-23 के लिए है, हर साल ये चेंज हो सकता है, पिछले टैक्स ईयर में चेंज नहीं हुआ अगले में शायद हो जाए। तो हर टैक्स पेयर को पर्सनल अलाउंस अलाउ है, यानी ये आपने कोई कंडीशन अभी नहीं देखी, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि जब नेट इनकम आ जाएगी तो खुद से क्या माइनस करना है, कितना होता है। इसकी सीक्वेंस भी वही है, पहले नॉन सेविंग से नहीं हो तो फिर सेविंग नहीं हो तो फिर डिविडेंड, ये भी ना हो कम पड़ जाए तो ये भी क्या हो जाता है खली वली हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है, ये भी आगे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और इसके बाद ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है, देखो मैंने क्लोजिंग लाइन बनाई है, और इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं, मुझे अमाउंट बताएं, हाँ
तो पता ही चला कि पर्सनल अलाउंस खुद से माइनस करना है। पर्सनल अलाउंस क्या करना है? खुद से माइनस करना है। हमारा दिमाग हमें याद दिलाएगा कि जब भी नेट इनकम पे पहुंचोगे खुद से क्या माइनस करोगे? पर्सनल माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम, वो इनकम होगी जिस पे लगेगा टैक्स। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होगी जिस पे लगेगा टैक्स। पर्सनल ऑफ इन सीक्वेंस वो जो मैंने केस 1 और 2 लिखवाया था, रेप्लिकेट है यानी डुप्लीकेट है, सेम है। 1, 2, 3 एक्सेस ऑफ द बेस्ट। जब आप लोग सारे इत्तेफाक कर लो तो हम नहीं लेंगे। हमारा ये जैसा है, हम तो आने के लिए तैयार है। ये आपकी ख्वाहिश है, आपका इत्तेहाद है, जो आप बोलो वो हम करेंगे। आप बोलो ऑनलाइन लो, ऑनलाइन लेंगे घर बैठ, पर हम तो आ रहे हैं। मैं आता हूँ इतवार के दिन, उनके काम कल तो आओ, इसके बाद फिर बात करेंगे। कल 1:30 बजे क्लास है, ठीक है भाई? एंड मदर पर्सनल अलाउंस कितना? 12,000। एक सवाल है सर, क्या ये पर्सनल अलाउंस बढ़ सकता है? क्या ये पर्सनल अलाउंस बढ़ सकता है? तो जवाब है, पर्सनल अलाउंस कभी भी नहीं बढ़ सकता। पर्सनल अलाउंस कभी भी बढ़ सकता, ये 12,570 है, तो ये 12,570 मैक्सिमम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है सवाल? सर क्या पर्सनल अलाउंस कम हो सकता है? तो आप क्या होगा सर, हमें क्या बता? जवाब है जी हाँ, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, इंक्रीज नहीं। पर्सनल अलाउंस कम जरूर होता है, पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता। तो पर्सनल अलाउंस कम क्यों होता है? तो जो ज्यादा अमीर होता है, ये क्या है, क्या चीज ये, इसको देख क्या वो क्या लगता है, ये क्या है? फैसिलिटी है, टैक्स रिलीवर है ना, टैक्स को इनकम को रिड्यूस करता है। इनकम रिड्यूस करता है इसका मतलब अल्टीमेटली टैक्स को क्या कर देगा, ऐसा ही है ना। ये फायदा है, तो गवर्नमेंट गरीबों को देती है, अमीरों से छीन लेती है। गरीबों को देती है, अमीरों से छीन लेती है। तो अमीर कौन होता है? तो यूके वाले कहते हैं जो साल में 1,00,000, क्या साल का 1,00,000 पाउंड से ज्यादा ANI कमाता है वो अमीर है। उससे हम छीनना शुरू कर देंगे, उसका पर्सनल अलाउंस कम करना शुरू कर देंगे, और ये कमी एक काम हो रहते हुए। क्या बोला मैंने? पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है। कब कम होता है? जब ANI 1,00,000 से ज्यादा हो। ANI कहा है? इधर है, बोला तो सही, लिखा गया है ANI, नहीं लिखा गया है। अच्छा अभी लिखते हैं, ANI निकालनी पड़ती है, इस फॉर्मेट से नहीं होती। ANI निकालनी पड़ती है, इस फॉर्मेट में नहीं होती। तो मैंने पहले क्या बताया, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है कब? ANI 1,00,000 से ज्यादा हो। ये कंडीशन बताइए मैं आपको, एंड ऑफ लिखी हुई है, ठीक है। अब सवाल है कि ANI कैसे निकलती है? तो ANI का एक फार्मूला है, वो है टोटल नेट इनकम। किधर है टोटल नेट इनकम? किधर है, किधर है? इधर ही है, ढूंढो टोटल नेट इनकम किधर है।
अमाउंट बताओ, अमाउंट क्या है, कितनी है? इधर है टोटल लैंडिंग का, इधर ड्रीम, क्या नाम है आपका? आप सबके लिए दुआ करेंगे, सब पास हो जाएंगे। तो ये है टोटल के कॉलम में नेट, टोटल के कॉलम विच जो नेट इनकम है वो ये है। तो ये है, तो ये पता चल गया भाई कि टोटल नेट इनकम हमेशा कहां से उठेगी, यहां से उठेगी। इसमें दो चीजें माइनस होती, हर चीज पेपर में गिवन होगी, पेपर में हर चीज गिवन होगी। एनआई निकालने के लिए हमें यह पता चल गया कि सबसे पहले टोटल नेट इनकम लेनी है, ये क्यों, क्यों का सवाल नहीं करना, ये ही लेनी है और ये हम लेंगे, ये लेंगे। फार्मूले में दो चीजें माइनस करनी है, पहली क्या, गिफ्टेड, सदका और खैरात करो, बलाएं दूर रहती है, जब पेपर देने जाओ तो सदका देके जाओ। तो तो भाई गिफ्ट एड में क्या कह रहा था, टूट जा रहा है, सदका और खैरात, पेपर में जाओ सदका दे के जाओ, आसानी होगी। तो गोरे भी डोनेशन करते हैं, उनका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, हमें तो आखिरत में ही फायदा मिलेगा। तो क्रॉप गिफ्ट एड सदका और खैरात है, ये बाई डिफॉल्ट नेट होता है। हमें क्या करना है, कौन सा अमाउंट लेना है, ग्रॉस गिफ्टेड लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है, ग्रॉस गिफ्टेड लेना है हमेशा। ये नेट होता है बाय डिफॉल्ट, ये दोनों आइटम्स नेट होती है बाय डिफॉल्ट, यानी कुछ नहीं बोले एग्जामिनर तो ये नेट होती है। तो नेट होती है तो ग्रॉस कैसे करेंगे सर, तो बेटा जो नेट अमाउंट होगी उसको मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80 कर देना, ये फार्मूला फिक्स है दोनों चीजों के लिए। ये दोनों नेट होती है बाय डिफॉल्ट, क्या होती है, आपको क्या करना होता है, ग्रॉस। लेकिन अगर कभी ग्रॉस दी हो तो फिर उसको ग्रॉस करने नहीं बैठेंगे, ये तो अटेस्टेड है ना। गिफ्ट की डेफिनेशन क्या बताई, सदका हो अगला के लिए हम पर्सनल चैरिटी रजिस्टर्ड होती है वहाँ, गरीब होते भी है ना, ऐसे रोड पे कोई गरीब नहीं घूमता वहाँ, मेरे पाकिस्तानियों इस तरह से नहीं होता, वो अकाउंट नहीं होता, गरीब को देना अकाउंट नहीं, चैरिटी में रजिस्टर्ड चैरिटी को देना डोनेशन कहलाता है, जिसकी रसीद मिलती है, क्योंकि आपको प्रूफ करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। तो रजिस्टर्ड चैरिटी लाइक सेलानी, इस तरह से आप डोनेशन करें कि गाड़ी रोक के आपने 10 रुपए दिए, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज गिफ्टेड। चलो भाई, मेरे दोस्तों पाकिस्तान से बाहर कितने कवर किया है तक, कहां उम्रे टर्की शरीफ और उम्रे में, और फिर कहां सीखी, कश्मीर, बड़ा पाकिस्तान से बाहर जाने का, चलो कश्मीर भी एक तरह से, तो कश्मीर इज इन पाकिस्तान,
हर हार्ट हर विद टच ठीक है। तो हम पाकिस्तान जब बाहर चलते हैं कभी दुबई जाने का इत्तेफाक हो, बुर्ज खलीफा देखा होगा फिल्मों में, तो उस बुर्ज खलीफा के नीचे एक अलग फाउंटेन है, फाउंटेन जहाँ पे पानी डांस करता है, पानी जो डांस करता है फाउंटेन, उस फाउंटेन पे अक्सर होगा हम अपने चूजों के साथ जाते थे, यानी मेरे बच्चों के साथ में चिकन वगैरह किया जाता था जुड़े वाले। तो वहां पे अक्सर हमें बिल्कुल शुरू बुड्ढे गोरे नजर आते थे। एक दफा हमारे अहमद हैं, उन्होंने उसकी लकड़ी खींची तो वो काका बस नीचे गिरने वाले थे, मैंने पकड़ ली था, अब मेरा बच्चा है तो मस्ती तो उसके अंदर होगी। तो फिर बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा तो बताओ मरने का टाइम है तुम्हारा, तुम यहाँ पे ये सेठ सपाटे कर रहे हो, ऐसे तो मैंने नहीं बोला, मैं अल्फाज बदल ली। जैसे मैंने इसी उनसे बातचीत की, हेलो भाई किया, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि यार अक्सर हम तो यहीं रहते हैं तो हम तो आते रहते हैं, तो अक्सर जब भी आते हैं हमें ब्रिटिशर्स नजर आते हैं, अमेरिकन नजर आते हैं, सीनियर सिटीजन बिल्कुल आई गुरु सफेद बाल सफेद ये बिल्कुल यू नो हाथ में लकड़ी हाथ में हाथ डाल के काका काकी जल में, क्या पे आपने ध्वजा मुबारक का हाथ पकड़ के दूसरे तो लोग भी देखते जाओगे अपने अपनी नेचर, तो वो जा रहे होते हैं मस्त अपनी दुनिया में, काका काकी चल रहे होते हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई ये क्या चक्कर है पाकिस्तान में, क्या होता है जब बंदा 60 साल का होता है तो बिस्तर पे पड़ा होता है, 40 बीमारियां होती हैं उसको, शुगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट पार्ट पता नहीं क्या कुछ, और इंतजार मौत होता है ऐसा ही है ना, 50 नहीं जब उसके बच्चों की शादी होती है तो सास बहू की टेंशन उसको होती है कि उसकी बीवी और उसकी बेटी की बीवी आपस में लड़ रही है, टेंशन उसको है, बेटी और दामाद का फटा है टेंशन अब्बा को है, और अब्बा स्ट्रेस ले लेके शुगर कोलेस्ट्रॉल पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बेड पे पड़ जाते। पाकिस्तान का सीनियर सिटीजन ये फैक्ट है, देखा होगा जिंदगी आप लोग भी देखते तो अभी बच्चे हो तो पता क्या हो, सब देखा हुआ है आप लोगों ने, उससे ज्यादा नॉलेज रखते हैं आपको, जब हमें इतनी नॉलेज है तो आपको कितनी होगी। वहां पे बुढ़े 55 साल में रिटायर होते हैं, हमारे यहाँ 60 साल के होते हैं, और 55 साल में रिटायर होने के बाद बुढ़े क्या करते हैं वो लोग, जिंदगी जीना शुरू करते हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, टर्की आप गई आपको वहां पे भी बुढ़े नजर आए होंगे, ठीक है थे ये बुढ़े कपल क्यों होते, हमने तो खुद पूछा है ना मेरे अपने अहमद की वजह से, उसने लकड़ी ही थी फिर बातचीत में तो मैंने पूछ लिया, तो वो ये कहते हैं कि वी आर नाउ एंजॉयिंग आवर लाइव्स, we are doing what we didn't do when we were young, इतना पैसा तुम्हारे पास, तो हमने पूछा भाई कैसे, तो क्या देखो भाई एक तो हमें जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन मिलती है, इतना टैक्स देते हैं ना यूके में, एक ये है कि जब 55 साल के हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं, आपको खिलाती है गवर्नमेंट, खाना पीना रहना सहना जितना हमारा नॉर्मल खर्चा है ना जिंदगी का वो तो हमें गवर्नमेंट से आ जाता है, तो हमें जिंदगी भर मेहनत करके सेविंग कम करते ही नहीं है, गोरा कभी भी सेविंग नहीं करता, वो लोन में ही होता है या वो जितना कमाता है उतना पारी कर देता है, और जो पाकिस्तानी भी गोरे हो जाते हैं यानी ब्रिटिशर्स हो जाते हैं, मेरी अपनी सगी पुत्री अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन सिटीजन है, उनके 4 चूजे 2 चूजियां और 2 चूजे दे आर ऑल्सो अमेरिकन, उनकी भी यही नेचर है, अभी कोविड में उनका अनाउंस मिला दुकानें बंद थी, उनका जनरल स्टोर है मियामी में, दुकानें बंद करवा दी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट पैसे भेज रही थी, तो इतना पैसा आया उन्होंने इतना तो हम कमाते भी नहीं थे महीने का जितना आया, पाकिस्तान ट्रेड मार्केट कोविड में आ रहे हैं पाकिस्तान, सब रिश्तेदार से मिलजुल के चले गए भाई पैसे आए पैसे उड़ाओ, हमारे पाकिस्तान में पैसा आया तो क्या करते हैं मिस दुआ
नहीं शादी के बाद पैसा आया तो क्या करते हैं बेटा, एक जवाब ये देखना फिर दूसरी का पूछूंगा, ये ख्वाहिश है खाली। हम भी ये कहता था कि चार करूंगा, नहीं जब एक हो गई ना फिर मैं कहता हूँ बस बहुत है, अल्लाह का शुक्र करे एक ही काफी है, महंगाई नहीं बहुत। कैसा कवर किया जाएगा? अब आप लोगों के पास कोई इनाम लग जाए, प्राइज बन लग जाए, कोई पैसे आ जाए तो दो जाओगे, सुन अलग लगते अपने बुढ़ापे में काम आएगा, औलाद कैसी निकलेगी क्या पता, बड़े होके ध्यान रखेगी भी कि नहीं, अपने रखते हैं अपने बुढ़ापे में ना खाने पीने का हो जाएगा। हमारे तो ये टेंशन है, हम पाकिस्तानियों को अभी तक दूध दही की लाइनों में लगने की टेंशन है, वो पता नहीं कहाँ निकल गए। ठीक है, तो मेरे पाकिस्तानियों तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से मेरे पास जो पेंशन आएगी ना, मैंने बचाया कि जिंदगी में कुछ नहीं है, उससे मैं खाऊंगा पीऊंगा और मैं अपनी जवानी में कुछ फंड्स होते हैं तो उसमें पैसे डाल दूंगा। पेंशन फंड्स होते हैं, पर्सनल फंड, गवर्नमेंट स्टेट पेंशन तो है वो तो मिलेगी। अब मुझे ज्यादा शौक है ना, मुझे वर्ल्ड टूर मारने अपनी प्राइवेट वाइफ के साथ, तो उस वर्ल्ड टूर के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, गवर्नमेंट से जो मिला उससे तो खाना पीना घर पर चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ प्राइवेट पेंशन के अंदर अपनी नॉर्मल, जब मैं जब हूँ जवान हूँ, उसमें 500 पाउंड 1000 पाउंड 400 पाउंड जमा कराता रहता हूँ। उससे फायदा क्या होता है, जब बुढ़ा होता हूँ तो ये लोग भी मुझे पेंशन देते हैं, एक मुझे हुकूमत से पेंशन मिली, एक प्राइवेट फंड में जहां पे मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा हूँ उन्होंने भी पेंशन दी। तो गवर्नमेंट की पेंशन से हमने पिज्जा पराठा बेहतरीन किस्म के खाया पिया, और जो ये पेंशन है इससे हम तो बैठे और निकल और फाउंटेन में खड़े रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के काका काकी को देख रहे हैं, काकी काकी को देख रहे, शादीशुदा है ना, देख सकते क्या मतलब, नहीं तो ये जो इन लोगों का एक्स्ट्रा फंड आता है ना, ये है पर्सनल पेंशन, ये वो फंड है जिससे आपको टर्की में ये बुढ़े बुढ़िया नजर आए, हमने दुबई में अक्सर ही देखा है। ठीक है, तो ये इस पैसे से कर रहे होते हैं, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू पर्सनल पेंशन, की अपनी नॉर्मल इनकम में से आप क्या करते हो प्राइवेट पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, और जब आप बुढ़े होते हो तो फिर आपको रिटर्न देते, तो वो पेंशन रिसीव नहीं था इस कॉलम के अंदर, वो उसमें भी टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप गिफ्टेड करो या पर्सनल पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूट करो, ANI निकालते वक्त इन दोनों को क्या करना है, तो क्या आ जाएगी आपके पास ANI, ग्रॉस नेट टैक्स ऊपर आ रहा है, ग्रॉस नेट जो कर रहे हो टैक्स ऊपर, विदहोल्डिंग टैक्स होता है इसके अंदर, वो आपके कोर्स में नहीं है जिससे आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। एक अदर क्वेश्चन होगा, देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पेज नंबर 8-9 सॉरी, उस्मान नाम होगा मिला, मिस्टर उस्मान क्वेश्चन को एक बार तफसील से रीड कीजिएगा प्लीज। क्या लिखा हुआ मिस्टर उस्मान जो है, उनको एक ट्रेडिंग इनकम हो रही है कितनी, और क्या किया इन्होंने, ट्रेडिंग इनकम है ना सिर्फ, और कोई इनकम तो, तो बाकी कॉलम बनाने की जरूरत भी ट्रेडिंग इनकम है, क्या कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, क्या कोई इंटरेस्ट पेमेंट है सर, नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब यही मेरी टोटल इनकम और यही मेरी नेट इनकम, राइट और रॉन्ग,
पेपर में इसी तरह लिखना अलाउ है, ये नहीं है कि हम अलग अलग लाइने बनाए और जीरो लिखते जाए। यही मेरी ट्रेडिंग इनकम, यही मेरी नेट इनकम, क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं। खुद से क्या याद रखना था, पर्सनल अलाउंस कितना होता है? 12 मार्क्स तक। लेकिन हमने एक रूल पढ़ लिया है, क्या लिखा हो? 9 लाख से ज्यादा, ये चेक कैसे होगा? देखो ये चीज का क्या नाम है, टोटल नेट इनकम। जब भी ये 1 लाख से ज्यादा होगी ना, तो आपको क्या निकालनी है, आपको कैलकुलेट करना है ANR। यानी आपके पास हिंट क्या है कि सर, ऐसा सवाल आता है कभी कभार, जिसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि सर ANI किसी क्वेश्चन में आप निकलवाते हो, किसी में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो। जब यहाँ लाख से ऊपर होगा तो ANI निकलेगी, वरना आप डायरेक्ट 12 पास, जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, मैंने डायरेक्ट 12 पास आंसर तक लिखा था, ANI दिखाई भी नहीं थी। क्यों? बोलते ये जो था वो लाख से नीचे था। ANI निकालते हैं, ये फार्मूला टोटल के कॉलम से नेट इनकम उठाई कितनी है, ऑनलाइन वालों कितनी है, 1.10। पर्सनल पेंशन नहीं दी, सही है, नहीं दी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब लिखी हुई है तो मैंने से। क्या गिफ्टेड है, कितनी? 4000। एक सवाल है, ये 4000 पे फार्मूला चलाऊं कि ऐसे ही लू? क्यों ऐसे ही लू? सर इट्स ऑलरेडी बीन ग्रॉस्ड अप, ग्रॉस लिखा है, लिखे गए ग्रॉस, जब लिखा है तो होशियारी नहीं करते, क्या आएगा? क्या ANI 1 लाख से ज्यादा है? ANI 1 लाख से ज्यादा है सही? तो पर्सनल अलाउंस से क्या हो जाएंगे? 1 मिनट को मेरे अल्फाज याद कर लो, फार्मूला कुछ आ जाएगा। ANI लाख से कितनी ज्यादा है? एक्सिस का आधा कर दो, उससे पर्सनल अलाउंस गिर जाएगा। पर्सनल अलाउंस कम होता है जब ANI 1 लाख से ज्यादा होती है, तब कैसे कम होता है? तो जो पर्सनल अलाउंस है ना 12,570, वो कम होगा कैसे? एक्सिस के आधे से, एक्सिस का आधा बोले तो ये लाख से कितनी ज्यादा है, 6 का आधा, तो 12,570 में से कितना कम कर देंगे, कितना आ गई, 8,000। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए फार्मूला है, तो फार्मूला याद करने लाइन। पर्सनल अलाउंस होता है 12,570, ANI जब 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो ये फार्मूले से रिडक्शन कैलकुलेट होती है और पर्सनल अलाउंस आ जाता है। जिसको अल्फाज नहीं याद आते उसको फार्मूला याद कर लेना चाहिए। एक्सिस का आधा ANI कितनी है, 1,06,000, लाख से कितनी ज्यादा है, 6 का आधा कितना होता है, 1,06,000 आ जाएगी। लिख लीजिए, ये हमने पढ़ा पर्सनल अलाउंस और पर्सनल अलाउंस कैसे रिड्यूस होता है। किसी और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। ऑनलाइन वालों कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसमें कोई सवाल? अपनी बात है मिस्टर शरीफ आदमी, आखिरी सवाल है, अगला सवाल मुझे आंसर बताओ और बैठो।
मिस्टर अली क्वेश्चन का नाम होगा 1,25,000 होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम और गिफ्टेड कितना है 16 ग्रॉस है नेट है होशियारी करेगी ग्रॉस करने की कैसे ही ले लेंगे मिस्टर पाकिस्तानी कोई सवाल कितना पढ़ा है इसको घर पे जरूर अगर 55,000 बचाना चाहते हो तो पढ़ना पढ़ना नहीं पढ़ना मेरा नहीं करेक्ट पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे पढ़ना कितना आ रहा है 1,50,000 मैं नाम मुझे याद नहीं हो तो मैं टाइम लगता है नाम याद तो पूछता रहूंगा 4 महीने तो आज मजाक मजाक में हमने पर्सनल अकाउंट की रिडक्शन तक पढ़ लिया है घर पे इसको सीखना जीवन कुशल में करवा देता हूँ जिनसे नहीं कोई उनके लिए बाकी देख लेना जल्दी बताओ भाई कितनी है एम्प्लॉयमेंट इनकम 1,25,000 1,25,000 इसका मतलब लाख से ऊपर है तो A9 निकालनी पड़ेगी A9 निकालने के लिए ये 5,000 लॉस भी दिया हुआ है गिफ्ट एटीन का 16,000 क्या आएगा यहाँ आंसर 1,09,000 रूल क्या है एक्सिस का आधा 9,000 का आधा 4,500 यानी 4,500 तो ये रिड्यूस हो जाएगा जिसको ये नहीं समझ आता तो 5,000 लिख ले भाई 1,09,000 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाय 2 टक टक 80 और 1,16,000 की चिल्लर आंसर है वहां पर उतारवा ना निखंड दूंगा ही सब दिखा दी कौन देगी सर डेढ़ दिन बाद देखिए